हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर अनीस। आज आप लोगों को दोस्तों फोड़े फुंसियाँ उसके लिए होम्योपैथिक मेडिसिन आप लोगों को बतलाएंगे। ऐसे जो लोग होम्योपैथिक मेडिसिन यूज करते हैं वो फोड़े फुंसियों के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन कुछ लोग जानते भी होंगे और किन्हीं को ठीक होता भी होगा, किन्हीं को ठीक नहीं भी होता होगा। लेकिन दोस्तों आज आप लोगों को एक चीज़ बतला रहे हैं, अगर कंडीशन देख करके फोड़े फुंसियों में होम्योपैथिक मेडिसिन दिया जाए तो बहुत ही बेहतरीन काम करती है दोस्तों। जैसे अगर दाना लाल है, सूजन है और उसमें जलन है तो दोस्तों आप बेलेडोना मेडिसिन लें 30 नंबर पावर की और 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर, 2 बूंद शाम खाएं, बहुत ही बेहतरीन काम करती है। अब जैसे वो दाना में पीलापन आ गया है तो आप मार्सोल मेडिसिन खाएं, 30 नंबर इसे भी लें, 2-2 बूंद 3 बार खाएं। अब अगर फोड़े फुंसियाँ हैं उसमें बहुत ज़्यादा दर्द है और ठीक से पका हुआ नहीं है दोस्तों, तो उसमें आप हिपर सल्फर मेडिसिन लें। इसमें आप 200 पावर में ले लें, 4 बूंद सुबह और 4 बूंद शाम का है, बेहतरीन काम करती है। अब जैसे फोड़ा फुंसी बहुत बहुत छोटा छोटा और बहुत सारा दाना हो तो उसमें आप आर्निका मेडिसिन लें। और फिर दोस्तों मेडिसिन होम्योपैथिक मेडिसिन है जो फोड़े फुंसियों में बहुत ही अच्छी काम करती है। अगर फोड़ा फुंसी हो, वहाँ जलन हो और बेचैनी भी हो तो आर्सेनिक मेडिसिन भी खा सकते हैं। जब फोड़े फुंसियाँ बार बार होती है तो वहाँ आप सल्फर मेडिसिन भी खा सकते हैं 30 नंबर में लेके। लेकिन दोस्तों फोड़े फुंसियों के लिए तो बहुत सारे मेडिसिन आप लोगों को बतला दिए और आप इसे किसी बुक में भी देख सकते हैं या कोई और जगह भी देख सकते हैं। लेकिन फोड़े फुंसियों के लिए मेन जो दवा है वो आप खुद नोट कर ले सकते हैं कि कौन दवा चलाएं जो ज़्यादा बेहतरीन काम करे। लेकिन दोस्तों इसमें आप लोगों को हम बस अपने इस वीडियो के माध्यम से एक हेल्प करना चाहते हैं और बताना चाह रहे हैं कि अगर फोड़ा फुंसियाँ शुरुआती दौर में दाना लाल हो, दर्द हो, सूजन हो तो उसमें बेलाडोना मेडिसिन बहुत ही बेहतरीन काम करती है। उस जगह पर आप बेलेडोना मेडिसिन सुबह, दोपहर, शाम 2-2 बूंद 3 बार खाएं। अब अगर दाना पक जाता है, पीलापन आ जाती है तो पस को बहाने के लिए आप हीपर सल्फर मेडिसिन 200 पावर में ले लें और सुबह शाम हीपर सल्फर मेडिसिन खाएं तो बहुत ही बेहतरीन काम करते हैं दोस्तों। और अगर कुछ मन में अगर कंक्लूजन हो तो अपने नज़दीक के फिजिशियन से संपर्क भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों कोई भी अगर होम्योपैथिक मेडिसिन खाएं तो बस सिंगल मेडिसिन, जैसे अब दाना लाल है तो बेलेडोना खाएं और मवाद बनना शुरू हो जाए तो उसमें आप मवाद जो बन गया है तो उसमें आप हीपर सल्फर मेडिसिन लें तो बहुत ही बेहतरीन काम करती है दोस्तों फोड़े फुंसियों में होम्योपैथिक मेडिसिन। और एक चीज़ आप लोगों को बता रहे हैं, कैलेंडुला क्यू मदर टिंचर उसे भी आप घर पर रखें, उसे आप गर्म पानी में थोड़ा सा मिला करके वो जो घाव फुंसी वाला जहाँ पर हो गया उसे आप साफ भी उसे कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हम आप लोगों को फोड़े फुंसी के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन बतलाए हैं जो बहुत ही माय पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही अच्छी वर्क करती है दोस्तों। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा।